वाव कुक स्टूडियो चैनल, शेफ दीपाली हियर। आज की हमारी रेसिपी है हनीकॉम चॉकलेट। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसी रेसिपी है। थोड़ा सा कैरमलाइज फ्लेवर आपको यहाँ पे मिलने वाला है, उसी के साथ थोड़ा सा क्रंच एंड परफेक्ट स्वीटनेस। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसी रेसिपी है जो चॉकलेट के साथ सर्व करने वाले हैं हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट। रेसिपी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक पैन में हम ऐड करेंगे शुगर, उसी के साथ हमें यहाँ पे ऐड करना है मेपल सिरप। एंड दोनों इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स करके लेना है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ब्रांड का मेपल सिरप यूज़ करना है, तो क्लेरी करके मेरे पास जो ब्रांड है उस ब्रांड का आप मेपल सिरप यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको मेपल सिरप नहीं यूज़ करना है, आप यहाँ पर हनी भी यूज़ कर सकते हो। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे एंड सारी जो शुगर है वो अच्छे से मिक्स होनी चाहिए एंड मेल्ट होनी चाहिए। उसी के साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे वनीला एसेंस। तो इस टाइम पे हमें ऐड करना है बेकिंग सोडा। जैसे ही हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, ये मिक्सचर जो है वो अपना कलर चेंज करेगा एंड थोड़ा सा इसमें लाइट टेक्सचर आएगा। हमें जो कलर चाहिए तब तक हमें इसे कुक करना है एंड मैं यहाँ पे कुकिंग बंद कर रही हूँ। कुकिंग बंद करने के बाद भी इसकी जो हीट है मिक्सचर को कुक कर रही है। तो इस टाइम पर हम इस मिक्सचर को ऐड करेंगे हमारे बेकिंग टिन के अंदर। इसे करेंगे प्रॉपर टैप एंड इसे एक आधे से एक घंटे के लिए पूरा ठंडा करके लेंगे एंड उसके बाद इसके पीसेस करेंगे। यहाँ पे ये अच्छे से सेट हो चुका है एंड अब हम करेंगे इसकी कटिंग। शार्प नाइफ से कितना परफेक्ट कट होता है। यस, हो रहा है, एकदम इजीली कट हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे प्रॉपर स्क्वायर पीसेस करने हैं, इसलिए मैं शार्प नाइफ से कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे हनीकॉम जो है वो अच्छे से परफेक्ट पीसेस में कट हो गए। आपको जो शेप करना है वो उस शेप में इसे कट कर सकते हो एंड इसे करेंगे पेपर से सेपरेट। एंड अब हम इसे करेंगे डेकोरेट। डेकोरेशन के लिए मैं बहुत ही कम चॉकलेट यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। सो जस्ट हमें इसे चॉकलेट में डिप करना है लाइक दिस एंड इसे ऐसे बटर पेपर पे रख देना है। तो यहाँ पे हमारे हनीकॉम जो है वो रेडी है एंड आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करो। एंड बचपन में हमने ये बहुत खाए हुए हैं। सो यही रेसिपी आप खुद बनाओ और आपके बच्चों को खिलाओ, उनको बहुत पसंद आएगी। एंड आप भी ज़रूर बनाओ एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ। एंड उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू सो मच।